girls with their nails done now. तो हेलो दोस्तों, पूरी सिल्वर अटैक टीम का जीटी की दुनिया के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो यार कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने लेस्टर का वो सीक्रेट बेस और वो जो सीक्रेट पासवर्ड वगैरह का ब्रीफ केस था तो हमने लेस्टर को वापस दिला दिया। तो लेस्टर हमसे बहुत खुश था। तो यार कल के दिन हम अपना शोरूम वगैरह को नहीं देख पाए थे, तो चलिए आज अपने शोरूम के पास चलते हो, देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी आ गई और कौन कौन सी गाड़ी बची हुई है अभी और कैसा आखिर बैनी ने उसे मॉडिफाई किया उन सब गाड़ियों को, क्योंकि भाई मॉडिफिकेशन का तो भाई ज़माना है, हर गाड़ी को एकदम मॉडिफाई रहना ज़रूरी था। क्योंकि हमने स्टेफिन की गाड़ियाँ चुराई थी, स्टेफिन कहता भाई ये तो मेरी गाड़ी रोड पे चल रही है, तो इसलिए हमने बैनी से कह के उन सब गाड़ियों को मॉडिफाई करवा लिया था। तो एक बार देखते चल के वहाँ पर अपने शोरूम में कि कौन कौन सी गाड़ी हो गई और कौन कौन सी गाड़ी बची हुई है। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने शोरूम के पास। वो शोरूम पे पास क्या, शोरूम पे ही आ गए। ये देखिए यहाँ लोग देखने वाली भाई गाड़ियाँ देख रहे हैं हमारी, लगता है बहुत तगड़ी मॉडिफाई करी है बैनी ने। ये गार्ड वगैरह पूरी सेफ्टी का यहाँ ध्यान रखा गया है। ये देखिए फोटो ले रहा है भाई, फोटो ले रहा तो बनता है। और यार बैनी की मॉडिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं कितनी भयंकर मॉडिफिकेशन करी है बैनी ने, एकदम तगड़ी वाली, एक से एक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये फोटो वगैरह चाहिए भाई, ले ले हमारी गाड़ियाँ हैं, अगर तू ले नहीं सकता तो फोटो ही ले ले कम से कम। यार ये लेने वाले खड़े हुए हैं और ये बस देखते ही रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, एक से एक गाड़ी है भाई हमारे पास, एक से एक गाड़ी। तो यार हमारी पूरी गाड़ियाँ नहीं आई हुई यहाँ पे, एक बार पूछते हैं फ्रैंकलिन को कॉल करके, भाई पूरी गाड़ियाँ क्यों नहीं आई, ये बस कुछ यहाँ पे ही गाड़ियाँ हैं। एक बार चलिए फ्रैंकलिन को पूछते हैं कि पूरी गाड़ियाँ हमारी क्यों नहीं आई। तो दोस्तों फ्रैंकलिन से हमारी बात होगी, फ्रैंकलिन कह रहा है कि भाई मैंने पूरी गाड़ियाँ इसलिए नहीं भेजी क्योंकि वहाँ पे उसमें मॉडिफिकेशन का काम वगैरह कुछ बच रहा था। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम बाद में भेज देना। और फ्रैंकलिन कह रहा है यार इतनी गाड़ियाँ वहाँ शोरूम में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहीं से भी उन गाड़ियों को सेल कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है फ्रैंकलिन, अगर तुझे कोई वहाँ समझ में आ रहा है तो वहाँ सेल कर दे तू, बाकी तो हमें पता लग ही जाएगा कौन सी गाड़ी बिक रही है कोई क्या। भाई फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया बंदा है, फुल भरोसा है भाई फ्रैंकलिन जितना मुझे शायद जीटी की दुनिया के अंदर किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन ने हमारी बहुत बार मदद की है, जान बचाई है, तो इसलिए भाई फ्रैंकलिन मेरे लिए तो सबसे ऊपर है। तो भाई एक बार इससे बात करते हैं कितनी गाड़ियाँ बिक गई, कितनी क्या हुआ। तो लो दोस्तों ये भी बता रहे कि आपकी भाई 3 दिन में 3 गाड़ियाँ बिक गई। मैंने बोला यार 3 दिन में 3 गाड़ियाँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लग्जरी कार यार लेने वाले बहुत कम होते हैं, लग्जरी हो स्पोर्ट सुपर कार, तो यार सही है यार 3 में 3 गाड़ियाँ चलो बेची। और ये देखिए ये हमारे शोरूम की मतलब एक शान की तरह हमने ये लिवरी वगैरह फुल करवा के ये गाड़ी खड़ी कर रखी है। ये देखिए कितने भाई इसको देखने वाले लोग अलग ही होंगे, हाँ भाई खरीदेगा भी या बस देख ही रहा है तू, यार ये क्या खरीदेगा। और ये वाली गाड़ी तो बस यार एक शो पीस की तरह है, तो यार ये बहुत ओल्ड मॉडल की कार है, तो इसका जो इंजन था बहुत यूनिक है और बहुत रेयर कार है। यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं शोरूम का मालिक हूँ ठीक है, ज़्यादा तुझे मुँह चलाने की जरूरत नहीं है। तो यार इसका बहुत यूनिक रेयर इंजन है, तो इसलिए हम इस गाड़ी को हमने इंजन वगैरह को बेका नहीं मैंने यार, क्योंकि इस इंजन को भी भाई लेने वाले बहुत लोग होंगे, जो लेना चाहेगा वो इंजन ले जाए कोई दिक्कत नहीं, इस इंजन को भी सेल कर देंगे हम। तो ये देखिए फुल मॉडिफाई करवा के दोस्तों ये गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। एक गेट भाई क्योंकि चेक वगैरह करते हैं लोग इसलिए गेट वगैरह खोल देते हैं, पता नहीं कोई इसका यार गेट बंद कर देते हैं, कोई देखने वाला आया होगा उसने खोल दिया और बंद ही नहीं किया गेट गाड़ी का, ये पता नहीं क्यों लापरवाही देते हैं हमारे स्टाफ के लोग, गेट बंद करना चाहिए ना। लो दोस्तों हमने गेट बंद कर दिया, अब चलते हैं। तो यार इनमें से कोई एक गाड़ी हम ही ले चले, मगर नहीं यार जब ये बिजनेस के लिए हो ही गई है तो बिजनेस में ही काम आन दो, हमें भी यार अपने लिए कोई पर्सनल गाड़ी खरीदेंगे यार, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर जो हमें स्पेशल सस्पेंशन वगैरह और बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए होती है वो नहीं है ये सारी, तो हमें अलग से एक गाड़ी खरीदनी होगी, उसको भी हम बात करते हैं कहीं से जुगाड़ बैठे और बढ़िया से एकदम गाड़ी लें। तो दोस्तों अभी अभी चेरी का फोन आया और चेरी बता रहा है कि भाई जहाँ आपने मुझे छुपा रखा है मुझे और साइंटिस्ट को, तो यार यहाँ पे कुछ एक दो लोग अजनबी से मुझे दिखे, तो जल्दी जल्दी आप आ जाओ वरना कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी दोस्तों चेरी के पास चलते हैं, क्योंकि चेरी भाई छुपा रखा है और स्टेफिन गैंग के लोग उसके पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। और ये देखिए ये भी आज सुबह ही हमने गाड़ी चुरा ली थी पता नहीं किसकी, तो इसी को गाड़ी को लेकर जल्दी जल्दी चेरी के पास चलते हो, दिखाता हूँ मैंने आपको कहाँ छुपा रखा है चेरी को आखिर मैंने। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं नॉर्मल रोड पे जा रहा था और ये अपनी दुनिया में अटैक करना, इनने मुझे मारना शुरू कर दिया, तो भाई ये बचने तो वाले हैं नहीं भाई, तुम समझते क्या यार मुझे, ये ले और पिट ये ले, और कुछ चाहिए तुम्हें यार, पता नहीं अपने आराम से रोड पे चलो तो भी इन्हें दिक्कत होती है, एक तो वहाँ चेरी हमारा इंतजार कर रहा है, ऊपर से ये लोग, इनका ड्रामा ख़त्म क्यों नहीं, ये ले मान गया ना तू, दोनों अब कर दिए उल्टे, आया मजा तुम्हें, जाम और लगवा दिया रोड पे तुम्हारी वजह से, अचानक आए हॉर्न देते हुए गाड़ी पीछे से ठोकी मेरी, ये देखिए पूरा कांच वाँच तोड़ा, वो अचानक उतर के लड़ने लगे, मैंने यार तुम्हें ही पहले ठीक करा जाए अब।
तो चलते हैं दोस्तों चेरी की तरफ। अगर यार दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो सब्सक्राइब यार करो तो यार उसे भी दबा देना, जब उतना कर सब्सक्राइब कर सकते हो तो बेल आइकन भी जरूर दबा सकते हो, तो इसलिए दोनों काम करना, या फिर आपके लिए बिना सब्सक्राइब करे बेल आइकन दबा देना, जो कि कर नहीं सकते तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी चेरी के पास, चेरी को देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। अगर कौन वहाँ पे ऐसा अजनबी सा घूम रहा है, वो कह रहा है यार कुछ पंगा हो रहा है, ये बंदा बहुत देर से घूम रहा है। तो मैं चल रुक जा, आ गए बस हम। तो लीजिए दोस्तों हम आ चुके हैं जहाँ हमने चेरी और उस साइंटिस्ट को छुपा रखा है, तो आराम से चलते हैं भाई। इनकी ये ज़मीन पर ही मैंने रखा हुआ है, ये देखिए इससे हमने रेंट पर ली हुई है ये वाली। तो आराम आराम चलते हैं, जैसे भाई हम कितने सीधे और यहाँ देखने आए हैं बस। तो लीजिए हम उतर गए, किसी को भी शक नहीं हुआ, कोई भी हमारी तरफ नहीं देख रहा है। तो चलते हैं एक बार इनसे मिलते हैं, चेरी अपने साइंटिस्ट से देखते हैं कर क्या रहे हैं आखिर में। वो देखिए मैंने छुपा कर रखे, कोई गलती से भी शक नहीं कर सकता कि इस जगह है चेरी और साइंटिस्ट, मगर इनके लिए यार जल्दी जल्दी मुझे कोई एक बढ़िया जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, यहाँ है हमारा साइंटिस्ट। तो ये देखते हैं गाय वगैरह सब घूम रही है यहाँ पे, चेरी के पास भी गाय है। तो यार ये सच में सोता रहता है पूरे दिन, चेरी बता रहा था। चेरी कह रहा था यार ये भी कह रहा है कि माइकल भाई कि मुझे भाई केमिकल वगैरह कुछ तो लगे दो, मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ। तो मगर इसे भी पता है इसकी जान को खतरा, इसलिए ज़्यादा बोलता नहीं है, मगर कहता भाई अगर कर सकते हो तो मेरे लिए इतना कर दो बस। तो मैंने कहा भाई करते हैं, साइंटिस्ट रुक जाते हमारे घर का भी इंतजाम करते हैं बहुत जल्दी। और ये देखिए अपना चेरी भाई बैठा हुआ है, चेरी मज़े से काम कर रहा है। तो यार अब एक बार पूछते हैं इन्होंने, भाई बात क्या है, कौन यहाँ पे घूम रहा है। तो यार इनके लिए घर का इंतजाम भी तो करना है, बहुत बुरी हालत में रहते हैं। तो चलते चेरी और इनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है यहाँ पे, कौन इनसे बार बार घूम रहा है इनके आसपास। तो दोस्तों इन दोनों ने मुझे बता दिया, कह रहा भाई यहाँ बाहर की साइड दो अजनबी से लोग बहुत देर से घूम रहे हैं, और इसी मारे हमने तुम्हें फ़ोन करा था, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब से कपड़े वगैरह पहन रखे हैं, पता नहीं कैसे रेड वगैरह कलर के। तो कह रहा एक बार जाके आप जल्दी से पता करो यार, इस साइंटिस्ट को बड़ा करोना का डर है। मैं आ चुका हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं देखता हूँ जल्दी से बाहर जाके कौन है, अभी उसके अकल ठिकाने लगाता हूँ। अगर कोई दिक्कत हुई तो अभी अभी तुम्हें कहीं और लेके जाना पड़ेगा मुझे। अरे गाय देखिए कैसे मज़े में घूम रही है यार, ये दोनों भी पता नहीं मैंने कहाँ रखे हुए हैं, मगर कोई बात नहीं भाई, दोनों को जान का खतरा है इसलिए यहाँ रुकना पड़ा हुआ है इन्हें। तो चलिए एक बार बाहर चल के देखते हैं आखिर है कौन वो। तो एक ये तो देख सकते हैं भाई, एक तो आप देख सकते हैं ये रहा, ये पता नहीं क्या कर रहा। अब तू गया भाई, रुक जा आ गया मैं, आ गया। और ये देखिए मुझे देखते ही अनजान की तरह चलने लगा, ये ले और ये ले। आखिर कौन है भाई तू, एक और देखिए ये रहा भाई, तू तो गया। हाँ निकल तू यहाँ से, तू ये ले। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, ये ले और ले। ये कुछ बोलना चाह रहा है यार, बोलना चाह रहा है भाई ये कुछ। तो लीजिए दोस्तों इन दोनों ने मुझे बता दिया आखिर चक्कर क्या है। तो यार ये बोल रहे कि माइकल भाई मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। इसमें से बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, वो साइंटिस्ट पता नहीं कौन कौन था, दो अजनबी से लोग बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कुछ दिक्कत वाली बात है, इसलिए हम दोनों यहाँ देखने लगे क्या बात है। हम बिल्कुल भी आपके खिलाफ नहीं जा सकते, मैंने बोला ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और भाई एक को तो मैं बिल्कुल शूट करने ही वाला था यहाँ पे, मगर मैं रुक गया क्योंकि एक चिल्लाने लगा बात सुनो, तो इसलिए मैं रुक गया। अब ये कौन आ रहा है भाई, अपनी गन पहले अंदर रख लेते हैं इससे इन्हें कुछ शक ना हो। और उस तो अब भाई इनका क्या करा जाए, तुम्हें छोड़ूं या मारूं ये बता दो मुझे, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है भाई कि चेरी और फ्रैंकलिन यहाँ पे हैं। तो बता तुम्हें क्या करूं तुम्हारे साथ। तो दोस्तों ये दोनों तो बहुत ज़्यादा तेज निकले, क्योंकि भाई मैंने इनका नंबर चेरी को दिया, मैंने भाई चेरी डिटेल पता करी हो, इनकी कॉल डिटेल वगैरह किससे बात करते हैं क्या बात करते हैं। तो भाई इनकी कॉल डिटेल में निकला है कि पुलिस चीफ से बात करते हैं, तो पुलिस टीम की रिकॉर्डिंग वगैरह है, मगर यहाँ के बारे में इन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है, क्योंकि इनने कह रहा है चेरी बताते थोड़ी देर पहले यहाँ अचानक से घूमने लगे, कह रहा अभी मगर पुलिस चीफ को कुछ भी पता नहीं लगा है। मगर ये अगर यहाँ से इन्हें छोड़ दिया तो जाके मुंह तो खोलेंगे, तो इससे पहले ही इन्हें आप अकल ठिकाने लगा देते हैं। कितना झूठ बोल रहे थे, मैं तो इन्हें छोड़ने ही वाला था, मैंने यार किसानों के घूम घाम रहे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर ये दोनों तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक निकले, बहुत ज़्यादा मुझे पागल बना रहे थे तुम भाई। पुलिस के लिए दोनों काम कर रहे थे भाई, और पुलिस के लिए काम करके चेरी और इस साइंटिस्ट की दोनों की वहाँ बता देते पुलिस वालों को कि भाई ये दोनों यहाँ छुपा रखे हैं ये वो। और ये कौन आ गया भाई, ये कौन आया बाइक वाला, हाँ भाई
ये क्या चा? ओ मेरे पे अटैक कर रहा है, तो ये बाइकर गैंग का बंदा होगा, क्योंकि भाई ये पूरा एरिया बाइकर गैंग वालों से भरा हुआ है। और बाइकर गैंग एक लोकल सी गैंग है, तो इसलिए वो को भी इतने मतलब छोटी मोटी चोरियां मतलब गुंडागर्दी वगैरह करती रहती है। कभी लॉस सैंटोस की बड़ी इतनी बड़ी जगह पे गैंग वगैरह उसने नहीं बनाई है, तो इसलिए ये इनसे मुझे कोई ज़्यादा खास खतरा नहीं है, पर ये छोटी ज़्यादा बड़ी वो दिक्कत नहीं है मेरे लिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मगर यार इनका कुछ करना पड़ेगा भाई, इन दोनों का, चेरी और साइंटिस्ट का, इन्हें यहाँ रखना अब ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं है। अबे ये क्या हुआ यार भाई, और बंदे, ये तो एक बंदा तो देख के भाग गया, दूसरा भी भाग गया। यार बाइकर गैंग के बड़े बंदे आ रहे हैं यहाँ पे क्या यार, ये सही में चेरियो साइंटिस्ट को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यार अभी अभी मेरे पे फ्रैंकलिन का फ़ोन आया, फ्रैंकलिन बता रहा है कि भाई तुमसे लेस्टर मिलना चाहता है, वो भी इसी वक्त। मैंने बोला क्या काम आ गया यार लेस्टर को, क्योंकि मैं यार इनके लिए कुछ जगह वगैरह का बंदोबस्त कर रहा हूँ भाई, इसके चेरी और साइंटिस्ट के लिए। तो फ्रैंकलिन कह रहा है तुम्हारी ये प्रॉब्लम अभी के भी सॉल्व हो जाएगी, तुम बस एक बार जाके मेरे पास आ जाओ, मेरे पास मतलब मेरे पास ही लेस्टर आ जाएगा और मेरे पास ही तुम आ जाओ, दोनों जल्दी आ जाओ, फिर यहाँ पे इससे कहीं चलना है हमें। मैंने बोला वहाँ से कहाँ ले जाएगा भाई तू, चलो कोई बात नहीं यार, चलो चलते हैं अपने दोस्त फ्रैंकलिन के पास, देखते हैं क्यों बुला रहा है ये, कह रहा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी ना रखने की, तो एक बार देख ही लेते हैं क्या दिक्कत है इन्हें। तो अपनी गाड़ी तो वो खड़ी भाई, चेरी और साइंटिस्ट तुम दोनों भाई थोड़ी देर यहाँ पे और रुक जाओ यार, अब देखते हैं भाई फ्रैंकलिन शायद कुछ सॉल्व क्या कह रहा है क्या नहीं भाई, इनके लिए क्या पता कोई जगह ही मिल जाए। अब देखो भाई अब जल्दी जल्दी हमें यहाँ से निकल के फ्रैंकलिन के पास चलना है, वो देखते हैं फ्रैंकलिन ने क्या बंदोबस्त कर लिया भाई, इतनी थोड़ी सी देर, कल ही तो बात हुई थी हमारी, आज तो भाई कर भी लिया यार, फ्रैंकलिन बड़ा सही बंदा है। तो लीजिए दोस्तों हम आ चुके हैं जहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रेवर थे, यार यहीं कहीं थे वो, कहाँ पे हैं ये तो गार्ड वगैरह घूम रहे हैं, ये यार यहीं का एड्रेस, ये रे फ्रैंकलिन और ये, अबे ये कैसे खड़े हुए हैं यहाँ पे फ्रैंकलिन और ये भी ना, इतनी लापरवाही देते हैं, दोनों हमारी तरफ ही देख रहे हैं, लेस्टर देख रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, पहले इनका तो भाई ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। यार फ्रैंकलिन तू भी हेलीकॉप्टर गार्ड में, ये इतने बंदे खड़े हुए हैं तो इतनी लापरवाही क्यों देता है यार, खामखाम में मरवा दिया इन्हें। तो हाँ भाई लेस्टर क्या बात हो गई यार, तुमने क्यों बुला लिया, मैं वहाँ चेरी और उनके लिए बंदोबस्त कर रहा था उनके लिए कुछ। तो दोस्तों लेस्टर कह रहा है कि तुमने मेरा इतना बड़ा काम करा था, मैं उसके बदले तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, जहाँ तुम चेरी साइंटिस्ट और तुम खुद भी रह सकते हो। तो मैंने बोला यार हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें ज़रूरत तो है मगर तुम मांगना नहीं चाह रहे, कि तुम कुछ मत बोलो, तुम बस मेरे कहने पर जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर चलाओ और वहाँ पर जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ पहुँचो। मैंने बोला चलो भाई एक बार इसकी भी देखते हैं लेस्टर क्या कह रहा, कौन सी जगह है, हमने भी भाई वो 0779 वाला घर भी बहुत बढ़िया जगह लिया था मगर काम तो नहीं आया ना, वो भी वहाँ पे स्टेफन के बंदे पहुँच गए थे। तो देखते हैं भाई ये लेस्टर आखिर कौन सा इतना बड़ा किला होगा इसका, जो इतना ज़्यादा सीक्रेट है भाई, जो कोई नहीं है। खैर भाई लेस्टर मशहूर तो सीक्रेट चीज़ बनाने के लिए ही है, तो देखते हैं भाई आखिर कितने बड़े नाम है इसके, जितना नाम है उतना काम भी है या नहीं है। तो चलो दोस्तों एक बार चल ही लेते हैं भाई लेस्टर के कहने पर, आखिर ये कहाँ लेके जाने वाला है वो हमें। आ जाओ भाई दोनों बैठ जाओ, चला मैं ही चला लेता हूँ, तुम तो चलाओगे नहीं, दोनों काम चोर हो। अरे लेस्टर तू भी क्या, लेस्टर को तो यार ऐसी बैठने की आदत है, क्योंकि यार उसको तो हेलीकॉप्टर के बना गाड़ियों में तो चलता ही नहीं भाई, लेस्टर बड़ा आदमी है यार, नाम है भाई उसका भी सब सीक्रेट बेस वगैरह बनाने के अंदर। अबे लेस्टर जाना कहाँ ये तो बता दे। तो दोस्तों लेस्टर ने लोकेशन डाल दिया, अब हम लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और यार आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो यार सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन भी दबा देना। तो यार देख सकते हैं आप ये लेस्टर का सीक्रेट बेस भाई सही में बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, लोकेशन के तो भाई इसके क्या कहने। अबे यार भाई ये लेस्टर ने भाई हमारी बहुत बड़ी सही में मदद कर दी, यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा कोई परिंदा ही पर नहीं मार सकता, मगर बिना हेलीकॉप्टर के यहाँ आया भी नहीं जा सकता। तो लेस्टर भाई तेरा हेलीकॉप्टर भी हम ही लेने वाले हैं, अब चिंता मत कर। अबे लोकेशन देखो यार भाई, लैंडिंग सही होनी चाहिए बस। अरे बहुत बढ़िया, ये हमने कराया अपना जेट लैंड, थोड़ा हल्का आगे करवाना पड़ेगा वरना कहीं पानी वानी में गिर जाए। तो चलिए सही है ये, तो चलिए इन दोनों को यहीं पे, लेस्टर और फ्रैंकलिन को यहीं पे छोड़ के चलते हैं और देखते हैं ये जो घर मिलने वाला है भाई, ये घर तो बिल्कुल अलग ही है। ये हुई ना बात लेस्टर का भाई, काम करके मज़ा आ गया यार, मैं इतनी बड़ी टेंशन में था, मैंने भाई चेरी यार पासवर्ड वगैरह डाल देते हैं इसमें, बता दिया वैसे लेस्टर ने हमें। तो लीजिए दोस्तों पासवर्ड भी हमने डाल दिया उसका, खुल जा चल। तो यार ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब बिल्कुल टेंशन नहीं है, बस वो यहाँ का सीन देखिए भाई क्या व्यू है यार, ये देखिए पूरा भाई ये यहाँ सी
गजब नजारा यार यहाँ से तो, फुल बैठने वगैरह का यहाँ पे गलती से भी कोई आ नहीं सकता, ये तो कंफर्म बात है यार, कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ इनका सीक्रेट बेस होगा ये छोटा सा किचन वगैरह। तो भाई यहाँ अपने साइंटिस्ट वगैरह को रख देंगे, साइंटिस्ट और चेरी को। ओ ये देखिए रैनी, ये तो भाई चेरी का रूम कन्फर्म, इसे भाई चेरी छोड़ने नहीं वाला, इसे तो चेरी लेके मानेगा पूरा भाई इनका। ये देखिए पीसी वगैरह पूरा, ये देखिए जीटी का पूरा मैप, और भाई चेरी के लिए स्पेशल चेयर भाई, ये तो पूरा चेरी लेने वाला है इस रूम को, तो कन्फर्म है भाई चेरी लड़ जाएगा इससे, इस साइंटिस्ट से कहेगा भाई तू कहोगा साइंटिस्ट अपने घर के लिए मगर मुझे ये रूम चाहिए। ये तो कन्फर्म चेरी का रूम हो चुका है। टी शर्ट यार क्या चक्कर है, क्या काम चल रहा था पता नहीं, कुछ हो रहा होगा भाई लेस्टर का काम, मगर अब वो सब काम बंद है। तो यार अब वो ये देखिए क्या व्यू है यार, क्या व्यू भाई, बहुत तगड़ा मेंशन है भाई ये, बहुत तगड़ा। तो चलते हैं एक बार और इधर उधर चेक करते हैं भाई, क्योंकि फ्रैंकलिन का तो हो गया यार, तो एक बार इस वाले रूम में और चेक कर लें इसमें क्या है यार। तो लीजिए दोस्तों पूरा यहाँ मतलब मुसीबत के टाइम में हथियार वगैरह, ये देखिए यहाँ गन वगैरह भी रखी हुई है, ये तो सही है। और ये चीज़ जो है ये सारी, ये भाई ये सारी बहुत ज़्यादा चेरी के काम के, यहाँ से चेरी सब पे सब ए टू जेड बंदों पे नज़र रख सकेगा, इतना तगड़ा सर्वर है इन लोगों का भाई। ये बहुत सही चीज़ मिल गई, ये यार पता नहीं क्यों ये साइंटिस्ट के काम आ जाए। तो भाई साइंटिस्ट और चेरी को मिल के रहना पड़ेगा यार यहाँ पर, मगर भाई बहुत सही सीन है। अब चल के लेस्टर से बात करते हैं कि लेस्टर भाई क्या कह रहे हो तुम और कैसे सीन करना है, क्या होएगा अब ये मेंशन में। चेरी और फ्रैंकलिन को लेके आते हैं हम कल की वीडियो में, और देखिए आप कल की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि चेरी और साइंटिस्ट दोनों यहाँ रहने आने वाले हैं। और भाई लेस्टर का एक और, हमें लेस्टर ने अपना मतलब एक ऑफ़र दिया है, तो वो कल की वीडियो में बताऊंगा क्या ऑफ़र है। और भाई इससे बड़ा ऑफ़र हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि लेस्टर के साथ भाई दुनिया में काम करने के लिए लोग मरते हैं और लेस्टर ने हमें इतना बड़ा ऑफ़र दिया। तो कल की वीडियो का इंतजार करिए, कल की वीडियो में बताऊंगा क्या ऑफ़र दिया लेस्टर ने आखिर हमें।